मुंबई के रहने वाले 25 साल के प्रथमेश ने वो कर दिखाया है जो अनुकरणीय है, प्रेरणा देने वाला है। जी हाँ, इसरो में बतौर साइंटिस्ट पहुंचने वाले प्रथमेश हिरवे ऐसे पहले शख्स हैं जो मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के साइंटिस्ट बनने की कहानी लिख चुके हैं। प्रथमेश ने घर की गरीबी और मुफलिसी भरे माहौल को काफी करीब से देखा है, लेकिन इन तंग गलियों के बीच अपने सपनों को मरने नहीं दिया। बेहद संघर्षपूर्ण माहौल के बीच प्रथमेश ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। प्रथमेश का परिवार वैसे तो महाराष्ट्र के सतारा का रहने वाला है, पिता एक प्राइमरी स्कूल में टीचर, तो उनके 8वीं पास माँ का सिर्फ एक ही सपना था कि उनका बेटा एक इंजीनियर बने। हालांकि प्रथमेश का एडमिशन इंजीनियरिंग में नहीं हो पाया, लेकिन हिम्मती प्रथमेश ने भागु भाई मफतलाल पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया। संघर्ष के दिनों में अंग्रेजी भाषा भी प्रथमेश के आगे रोड़ा बनकर खड़ी हुई, क्योंकि प्रथमेश ने एक मराठी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की थी, तो उनके लिए डिप्लोमा के पहले 2 साल बेहद चुनौती से भरे रहे। पर इसे प्रथमेश की लगन और मेहनत का ही नतीजा कहा जाएगा कि डिक्शनरी के सहारे अंग्रेजी सीखने वाले प्रथमेश ने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग्य आजमाते हुए पिछले साल इसरो के लिए अप्लाई किया। हालांकि प्रथमेश को सिर्फ वेटिंग लिस्ट ही नसीब हुई। इस बीच प्रथमेश ने एक कंपनी में बतौर इंजीनियर काम शुरू तो किया, लेकिन इसरो में पहुंचने के सपने को जिंदा रखा। इस साल इसरो साइंटिस्ट के लिए हुई परीक्षा में 16,000 कैंडिडेट्स ने भाग लिया, जिसमें सिलेक्ट हुए 9 लोगों में प्रथमेश का भी नाम शामिल है। प्रथमेश को सबसे पहले चंडीगढ़ में पोस्टिंग मिली है। कहते हैं सपने कभी मरते नहीं है, बस उनको जिंदा रखने के लिए जज्बे और किसी भी विषम हालात से निपटने के लिए हिम्मत की दरकार चाहिए। आज इसरो में सिलेक्ट होना जहां प्रथमेश के लिए उनके 10 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है, तो वहीं उनके माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हो भी क्यों ना, प्रथमेश के ऊंचे ख्वाबों को पर लगाए तो उनके माँ बाप ने ही, जिन्होंने अपनी मंजिल को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे प्रथमेश की हौसले को कभी टूटने नहीं दिया। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, मुंबई।